तो आज हम देखेंगे 7 फ्री कैनवा एलिमेंट्स जिससे कि आप आपके कंटेंट को 1 लेवल अप लेके जा सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइम जो मेरा वीडियो बनाया था उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो इसलिए सेकंड पार्ट में लाया हूँ एंड आई होप सो ये भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। एंड यस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि 7 फ्री कैनवा एलिमेंट्स अभी हम देखने वाले हैं फॉर प्री क्रिएटिव पीपल लाइक मी। यस, ठीक है। सो यस, अगर आप मेरी तरह क्रिएटिव हो तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट या कीवर्ड है जो कि हमको सर्च करना है, दैट इज मॉडर्न शेप्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मॉडर्न शेप्स जो है बहुत अलग अलग टाइप के हमको यहाँ पे शेप्स मिलते हैं जो कि बहुत ही एलिगेंट एंड डिसेंट है। अगर आप कोई ऐसा एक प्रोफाइल बनाना चाहते हो जो कि आपको एकदम डिसेंट रखना है एंड मतलब वो बोलते हैं ना कि प्यारा सा, तो वो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं बताता हूँ आपको, आपको एलिमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे मॉडर्न शेप्स डालना है एंड सर्च करते ही हमको ग्राफिक्स टैब में आना है। ठीक है, ग्राफिक्स में आओगे आप तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आप एक डिसेंट लुकिंग प्रोफाइल के लिए यूज़ कर सकते हो एंड बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया एंड और एक सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी ये मैंने कलर चेंज किया, तो मुझे अगर रेड चाहिए सो आई कैन पुट रेड। ठीक है, आप इसको ओपेसिटी कम ज़्यादा करके अच्छे से इसको लगा सकते हो। जैसे इसमें 3 कलर्स है, एक ही है पूरा ये ग्राफिक बट इसमें 3 कलर्स है, तो तीनों को आप अलग अलग चेंज कर सकते हो। राइट, जैसे कि मुझे चाहिए ब्लैक, ब्लू, येलो, सो एक अलग से मेरा बन गया। राइट, सो इसी तरह से आप जो है अलग अलग शेप्स एंड साइज़ को ट्राई कीजिए, अलग अलग पैटर्न्स को ट्राई कीजिए एंड एक अच्छा खासा आप बना सकते हो। ठीक है, सो यस, ये था फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है जो कि कीवर्ड है, वो है मिड सेंचुरी बेसिक। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि ये जो प्लस साइन है ना, ये हमको भूलने नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी से ही वो कीवर्ड ही वैसा है, वो प्लस मिड सेंचुरी प्लस बेसिक, ये है कीवर्ड। तो हम इसको जैसे है वैसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड वापस ग्राफिक सेक्शन में ही आएंगे एंड यहाँ पे सारे के सारे हमको जो है ग्राफिक्स मिल जाएंगे। एंड ये वाले कीवर्ड में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे के सारे फ्री है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो अलग अलग इसमें टर्म्स में। ये एज आप स्टिकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। राइट, ये कोई पैटर्न्स होते हैं, अगर आप पिंटरेस्ट पे वगैरह स्टिकर्स वगैरह सर्च करोगे ना, तो इस पैटर्न वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे ये वाला पैटर्न है, इसके अंदर आप कुछ भी लग सकते हो। राइट, जैसे कि इन सबको मिला के एक ऐसा अच्छा सा आप स्टिकर बना सकते हो। राइट, बैनर बना सकते हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। तो देखिए, इनको चेकआउट कीजिए एंड यस, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर कुछ भी आप बनाते हो इसमें से, सो यस डू पिंग मी इन द कमेंट्स। तो यस, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा मॉडर्न लेबल। तो मॉडर्न लेबल में आपको मैंने यहाँ पे बताया तो है ही कि कैसे टाइप के आपको यहाँ पे ये एलिमेंट्स मिलते हैं, तो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं सर्च करता हूँ, फिर से हमको ग्राफिक्स पैनल में ही आना है, बट ग्राफिक्स में आने के बाद आपको तुरंत नहीं दिखेंगे वो, बस ये देखना थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, मिड सेक्शन में आपको दिखेंगे। सो ये सारी चीज़ें आप जो है वापस, जैसे कि एज अ एक बैकग्राउंड होता है, एज अ स्टिकर होता है, समझो एज आपको प्राइजेस के लिए, आप देखो स्टैम्प्स बनाते हो, तो स्टैम्प्स के लिए भी ये बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है इसका। एंड इसको यूज़ करके ऑफकोर्स आप, आपका एक एलिगेंट प्रोफाइल बनाना है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो डू चेक इट आउट, अलग अलग यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सिंपली। एंड और एक चीज़ है, इनका कलर्स भी चेंज होगा। ठीक है, जो आप कलर चाहो वो आप रख सकते हो आपके हिसाब से। नेक्स्ट आता है हमारा, बहुत ही अच्छा है ये कीवर्ड, मतलब बहुत ही फंकी है एंड बहुत सही लगेगा अगर आप जो एक पार्टी के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, लाइक कोई पोस्टर बनाना है वगैरह वगैरह, स्पेशली न्यू ईयर। सो वो है प्लस हॉलीडे प्लस क्लीन प्लस स्टाइलाइज्ड। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा कीवर्ड है, इसको कॉपी करने के यहाँ डालेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक्स हमको मिले हैं। ग्राफिक्स में ही आएंगे हम,
अलग 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 ग्राफिक, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, आप चेकआउट करो कि कोई पार्टी, पूरा पार्टी थीम ही है समझो, ये 2021 का गॉगल हो गया। सो अगर आप कोई पार्टी थीम बेस्ड अगर कुछ बना रहे हो ना, तो ये वाला कीवर्ड बहुत आपको यूजफुल में आएगा। एंड प्लस पॉइंट ये है कि सारे फ्री है, सो आपको यहाँ पे प्रो वर्जन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा कीवर्ड, प्लस हॉलीडे प्लस क्लीन प्लस स्टाइलाइज्ड, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट कीवर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा गोल्ड ब्रश स्ट्रोक ब्रशेस, ठीक है। अभी ये वाला जो कीवर्ड है ना, मैं आपको बताऊँ, मतलब इतना क्वालिटी वाला लगता है ना कि मतलब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जैसे कि एक फ़ोटो है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले तो इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी ये जो कीवर्ड है ना, आपको जो है यहाँ पे ग्राफिक्स टैब में बस नहीं ढूंढना है, ये आपको सारे के सारे फ़ोटोज़ में मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इनको ढूंढना चाहते हो तो ये आपको फ़ोटोज़ में मिलेंगे, ठीक है। ग्राफिक्स में आपको इतने नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ जो पार्ट्स है, जैसे कि ये वाले पार्ट्स है, ये आपको मिलेंगे, बट ये जो HD फ़ोटोज़ है, ये वाले, ये फुल HD फ़ोटोज़ है, आपको ऐसा लगेगा कि यार एक्चुअली वहाँ पे गोल्ड से किसी ने कुछ किया है, ठीक है। तो ये चेकआउट करो, ये वाला मुझे सबसे पसंद आया है, ये जो ग्लिटर है, अगर आप इसको जूम करोगे ना, थोड़े भी पिक्सल्स नहीं फटते इसके, एंड एकदम एक्चुअल ग्लिटर टाइप लगता है। सो डू चेक दिस आउट। तो आपका अगर ऐसा कोई फंकी सा आपको कोई इन्विटेशन हो गया, इन्विटेशन में बहुत अच्छा लगेगा ये। उसके अलावा समझो आपको कोई वापस पार्टी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो इसको, या फिर और एक चीज़, वेडिंग इन्विटेशंस में इसको ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत अच्छे से लगेगा एंड यार बहुत क्वालिटी इमेजेस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। सो डू चेक दिस आउट, बहुत सारे वेरियंट्स हैं, पूरे गोल्ड रिलेटेड हैं एंड सिल्वर रिलेटेड भी है, ठीक है। सो डू चेक इट आउट, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो ये हो गया हमारा कीवर्ड। इसके बाद आता है नेक्स्ट कीवर्ड, दैट इज सॉफ्ट विंटेज, ठीक है। अभी सॉफ्ट विंटेज में बस ये ध्यान रखिए, ये जो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है ना, कॉमास, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहोगे तो वो कीवर्ड काम नहीं करेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, अभी फ़ोटोज़ में आना है हमको वापस, तो ये फ़ोटोज़ हमारे आ गए। अगर मैं ये नहीं डालता हूँ कॉमास, तो आपको देख सकते हो वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। फ़ोटोज़ में भी नहीं दिखेंगे, कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं, एंटर करोगे फ़ोटोज़ में आओगे तो आपको ये मिल जाएंगे। सो अगर आपका प्रोफाइल एक थोड़ा सा रेट्रो थीम पे है, या रेट्रो काइंड ऑफ आपको चीज़ें अच्छी लगती है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिक्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, राइट। डू चेक इट आउट, बहुत अच्छा एक विंटेज फील आपको देगा यहाँ पे, ठीक है। सो डू चेक इट आउट, ये फोटो सेक्शन में मिलेगा आपको, ऑफकोर्स ग्राफिक्स में नहीं मिलेगा। एंड जो लास्ट हमारा कीवर्ड है यहाँ पे, जो कि आपको एक आपके लिए कॉन्टेंट को एक लेवल अप लेके जाएगा, दैट इज़ पॉपी फूड, ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड जैसे ही हम डालते हो, आप देख सकते हो ऑलरेडी यार कलर्स कितने सारे हैं इसमें। सो ये सर्च करता हूँ मैं वापस, यहाँ भी ये डबल इन्वर्टेड कॉमास आपको डालने हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे फूड के बारे में ही मिलेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो यार पपाया है या भी जो कोई ड्रिंक है, बट ये जो कलर्स यहाँ पे इन्होंने यूज़ किए हैं ना, एकदम पॉपिंग कलर्स है। तो अगर आपका थोड़ा सा फंकी टाइप ऑफ आपका जो लुक है पूरे प्रोफाइल का, सो ये अगर आप यूज़ करोगे एज अ बैकग्राउंड, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो डू चेक इट आउट, पॉपी फूड्स सर्च कीजिए एंड फोटो सेक्शन में आके हमको सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइज, ये थे हमारे 7 हिडन एलिमेंट्स इन कैनवा, जो कि आप सर्च करके इसको फाइंड कर सकते हो हमारे एलिमेंट्स टैब पे, ठीक है। एलिमेंट्स टैब पे जाके वहाँ पे आपको सर्च करना है, बहुत ही यूजफुल है एंड बहुत ही अच्छे लगते हैं आपके कंटेंट को, ऑफ कोर्स 1 लेवल अप लेके जाने में। सो डू ट्राई इट आउट, चेकआउट कीजिए, एंड अगर कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है इंस्टाग्राम पे पूछिए, यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम दे रहा हूँ। कुछ नहीं समझे तो मुझे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अगर ये ट्राई करोगे तो मुझे ज़रूर टैग करना, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम तो मैंने दिया ही है, सो यस टैग करना, ताकि अगर उसमें आपको कुछ पूछना है क्वेश्चन या कैसे लग रहा है, मैं उसके हमेशा आपको हेल्प करने की ट्राई करूँगा। एंड गाइस, ये PPT जो है, जो कि अभी मैंने आपको बताई, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सो वो आप वहाँ से डाउनलोड करके जो है देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। एंड गाइस, प्रीमियर प्रो के ऊपर मैंने एक पूरी मास्टर क्लास बनाई है, जो कि ऑलमोस्ट 48 या 50 वीडियोस की है, तो डू चेक इट आउट, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको। अगर वीडियो एडिटिंग सीखना है तो बहुत आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है। सो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड एज ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।
सो गाइज ये थे हमारे 7L सॉरी वापस एंड गाइज प्रीमियर प्रो के ऊपर मैंने पूरी एक मास्टर क्लास बनाई है जिस सो गाइज ये थे हमारे कुछ वापस